आपको आज कुछ मीठे में खाने का मन है या फेस्टिवल के लिए कोई स्वीट बनाना है तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ सिर्फ 20 मिनट में बनने वाले इंस्टेंट स्टफ्ड लड्डू, जो आप किसी को भी खिलाएंगे वो पहचान ही नहीं सकता है कि आपने इसको घर पे बनाए हैं। ये मेरी रिकमेंडेड रेसिपी है, आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई करें एंड आई एम श्योर ये आपको भी बहुत पसंद आएगी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फूड्स एंड फ्लेवर्स, मैं हूँ शिल्पी। तो आइए देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। इसको बनाने के लिए मैंने ये कढ़ाई ली है, इसमें मैं डाल रही हूँ 1 कप मिल्क पाउडर। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, मिल्क पाउडर डालना है, डेयरी वाइटनर नहीं डालना है, उससे ये मिठाई अच्छी नहीं बनेगी। इसके साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 कप पिसी हुई शक्कर, 1/2 टीस्पून इलायची का पाउडर और एक स्पैचुला लेंगे अब हम और इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर देंगे। और अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके दूध। तो ये नॉर्मल टेम्परेचर पे दूध है जिसको कि मैंने पहले से ही बॉईल कर लिया था और इसको अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। ये देखिए मैंने इसको बहुत अच्छे से मिला दिया है, तो ध्यान रखना है इसे अच्छे से मिलाएं, इसमें एक भी लम्स नहीं होने चाहिए। और अब हम इसमें डाल देंगे करीब 2 टीस्पून घी, इसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। और आइए अब हम इसको कुक करेंगे। इसको हम मीडियम फ्लेम पर चढ़ा देंगे और इसको हमें लगातार चलाते हुए अच्छे से भूनना है। तो यहाँ पर आप कोशिश करके नॉनस्टिक पैन का यूज़ करें क्योंकि ये थोड़ा सा चिपकता है। अगर आप आयरन की कढ़ाई या फिर आप एल्यूमिनियम की कढ़ाई में बनाएंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा स्टिक होता है। तो बस हम इसको इसी तरह से चलाते रहेंगे और इसको भुनने देंगे। तो ये देखिए मैंने इसको मुश्किल से 3 से 4 मिनट ही पकाया है। आप देखें इसने कढ़ाई के साइड्स छोड़ने शुरू कर दिए हैं, बहुत थिक हो गया है। तो इस स्टेज पर हम इसको बंद कर देंगे और हम इसको एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर देंगे और हल्का सा ठंडा होने देंगे। तब तक आइए फटाफट स्टफिंग तैयार करते हैं। स्टफिंग के लिए यहाँ मैंने एक बोल लिया है और इसमें मैं डाल रही हूँ 1/2 कप नारियल का बुरादा। तो अगर आपके पास इस तरह का नारियल का बुरादा नहीं है तो जो सूखा नारियल आता है आप उसको छील के घिस लें, वो भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें मैं डाल दूँगी करीब 1/4 कप कटे हुए बादाम, 1/4 कप कटे हुए काजू, 2 टेबलस्पून कटे हुए पिस्ते, 1 टेबलस्पून पिसी हुई शक्कर। यहाँ पर हम डालेंगे 1 टेबलस्पून केसर वाला दूध। तो मैंने गरम दूध में केसर के कुछ धागे डाल दिए थे, मैं इसको डाल रही हूँ इसमें। इसके साथ ही हम इसमें डाल देंगे 1 टेबलस्पून के करीब मावा जो हमने तैयार किया था। और अब इन सभी चीज़ों को हम बहुत अच्छे से हाथों से मिला लेंगे। तो अपनी पसंद की आप कोई भी और इसमें नट्स डाल सकते हैं, आप इसमें किशमिश भी डाल सकते हैं, चिरौंजी भी डाल सकते हैं, अखरोट काट के डाल सकते हैं। तो ये देखिए बस इसको बहुत अच्छे से हमें मिक्स करना है। तो ये देखिए मैंने इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब हम इसके इस साइज़ के करीब गोले बना लेंगे। ये देखें तो इससे क्या होगा, स्टफिंग करना बहुत ही आसान हो जाएगी। तो ये देखिए मैंने इस तरह से सारे गोले तैयार कर लिए हैं। और अब देखें हमारा जो खोआ है वो बहुत हल्का सा गर्म है, ऑलमोस्ट ठंडा हो गया है। हम अपने हाथों में थोड़ा सा घी लेंगे और इसको अच्छे से एक बार हाथों से इस तरह से मल लेंगे। तो अच्छे से इसका डो टाइप का बना लें हम। तो देखिए मैंने इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम अपने हाथों को फिर से हल्का सा घी से ग्रीस कर लेंगे। और आपको जिस भी साइज़ के लड्डू बनाने हों आप उतना मावा अपने हाथ में लें और इस तरह से अच्छे से उसको हाथों में रोल कर लें। इसको हम फैला लेंगे, तो फैलाते समय ध्यान रखना है कि साइड्स जो हैं वो पतले होने चाहिए। तो जैसा कि हम कचौरियाँ भरते समय डो के लिए करते हैं बिल्कुल वैसा ही करना है हमें। और अब हम इसके बीच में रख देंगे जो हमने नारियल का स्टफिंग बनाई थी और इसको अच्छे से कवर कर देंगे। और बस इसको हमें हाथों में बहुत धीरे से घुमाना है और इसको बिल्कुल गोल कर लेना है। तो देखिए इस तरह से मैं सारे लड्डू तैयार कर लूँगी। ये देखिए सारे लड्डू तैयार हैं और अब हम इनको गार्निश करेंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर थोड़े से केसर के स्ट्रिंग लिए हैं, मैं इस पे ये लगा दूँगी। इसके साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी थोड़ा सा एकदम बारीक कटा हुआ पिस्ता और यहाँ मेरे पास है थोड़ी सी चॉप की हुई सूखी गुलाब की पंखुड़ियाँ। तो बाकी के लड्डू भी हम इसी तरह से गार्निश कर लेंगे। तो आपने देखा इन लड्डुओं को बनाना कितना आसान है। अब आपका चाहे घर में कुछ मीठा खाने का मन कर रहा हो या कोई फेस्टिवल पे बनाना हो तो आप इन लड्डुओं को फटाफट मुश्किल से 15 मिनट के अंदर तैयार कर सकते हैं। तो ट्राई ज़रूर करिएगा और हमें फीडबैक में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा। अगली बार आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।